खरगोन जिले में गौ तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। तस्कर रात के अलावा अब दिन में भी वध के लिए गोवंश की वाहनों की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रक को शनिवार गोरक्षकों ने उमरखली के समीप पकड़ा है। गोरक्षकों को देख वाहन चालक और सवार भाग निकले। पुलिस की मदद से वाहन को गौशाला लाया गया। गोरक्षक सतीश राठौर ने बताया कि मिनी ट्रक में भरे 45 गोवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है। ट्रक में दो अलग अलग पार्टीशन में रस्सियों से बांध कर ठूस ठूस कर गायों को भरा गया था। पुलिस ने वाहन को अभिरक्षा में लेकर जाँच शुरू कर दी है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। पहली रोड से पकड़ी, इसमें डबल पार्टीशन में 40 से 45 के लगभग गोवंश भरा था। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना के कार्यकर्ता और गोरक्षकों के द्वारा अभियान चलाकर ये गाय पकड़ी गई। कहाँ जा रहे थे ये? महाराष्ट्र गोवध के लिए जा रहे थे। कितने जनते इसमें सवार? इसमें सवार दो जन थे, उसमें से ड्राइवर ये फरार हो गए। पुलिस मौके पर आई और उसको गौशाला लाया और यहाँ पर उतारा यार। क्या नाम लिखते हो? सतीश राठौर, जिला अध्यक्ष गोमाता सेवा संस्थान खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।